रिकॉर्डिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भूकंप से बचाव के बारे में जाना, भूकंप के प्रबंधन के बारे में जाना, भूकंप क्या होता है, कितनी तबाही लाता है या किस तरह के प्रबंध से उसकी उससे होने वाले क्षति को कम किया जा सके, ये सारी बातों को हमने जाना। आज का टॉपिक है आप लोगों को सुनामी से बचाव के उपाय, सुनामी से बचाव के उपाय। सुनामी आप लोग जानते हैं, जब समुद्र के भीतर कंपन उत्पन्न होता है, जमीन के अंदर कंपन उत्पन्न होता है भूकंप आता है, लेकिन जब समुद्र के भीतरी सतहों में कंपन उत्पन्न होता है तो उसमें समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उठती हैं और समुद्र तट के किनारे बसे शहरों को या लोगों को या सामानों को बहुत ही अधिक तबाही मचाती है, बहुत ही अधिक क्षति पहुंचाती है, इसको हम सुनामी कहते हैं। सुनामी जब आता है तो ये बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होता है, क्योंकि इसकी लहरें बहुत ऊपर तक होती है, तो आसपास के जो क्षेत्र हैं, समुद्र तटे जो लोग हैं या बसे जो बस्तियां हैं उसको तबाही मचाती हैं। आपको समुद्र में मछली पकड़ने वाले लोग या छोटे छोटे बोट नाव ये लोग, इन लोगों को भी वो तबाही लाती है, यानी इन लोगों को क्षति पहुंचाती है, सबसे ज्यादा जान की क्षति होती है उनकी। और बगल में जो है आपको पेड़ पौधे सड़क पुल रहने वाले लोगों के भवन लोग समुद्र तटों पर बैठने वाले लोग घूमने वाले लोग पर्यटक लोग जो जाते हैं उन लोगों को भी, इन सभी को बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो आप लोगों को नुकसान पहुंचाती है। इसके लिए बहुत ही आवश्यक है पहले से सूचना प्राप्त करना। जैसे अगर भूकंप के लिए अभी हमें अगर हमें पहले से सूचना मिलती है तो भूकंप के क्षति को हम कम कर सकते हैं या उससे होने वाले नुकसान को हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सुनामी में भी पूर्व अनुमान या पूर्व कंपन मालूम चलता है, पूर्व यानी सुनामी आने से पहले उस पर कंपन जो उत्पन्न होता है उसको मालूम कर सकते हैं। समुद्र के बीचों बीच या भीतर जो उस तरह का मशीन लगाकर या मशीन लगाना जिससे कि हमको कंपन की पहले से जानकारी हो जाए, तो हम समुद्र में जो मछली पकड़ने वाले गए हैं या छोटे छोटे बोट जो नाव घूमने के लिए गए हैं या समुद्र में जो पर्यटक आपको समुद्र के किनारे तटों पर घूम रहे हैं या आसपास के जो क्षेत्र हैं तटीय इलाकों के, उन लोगों को सुरक्षित कर दिया जाए ताकि उन लोगों का नुकसान नहीं हो। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है पता लगाना। उसके बाद समुद्र के बीचों बीच यानी पूरा समुद्र में अगर रहे तो वहां पर इस प्रकार की लहरें नहीं उठती है, क्योंकि वहां पर अवरोधक होता है, बीच समुद्र में अवरोध होता है तो उसके टकराव से उसकी क्षति कम होती है, उसकी वेग कम हो जाती है, जितना तेजी से होता है वो वेग उसका उसका स्पीड वो कम रहता है, तो वो बीचों बीच समुद्र के आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता है, नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन किनारों पर वो सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है सुनामी। तो अगर बोट बड़ी बड़ी या मछली पकड़ने वाले नाव हैं तो अगर ऐसी पूर्वानुमान होती है, पहले से कोई सूचना मिल जाती है कि ऐसी बात है, तो हम जो नाविक है जो बोट में मछली पकड़ने गए हैं उनको हम सूचना दे सकते हैं किसी माध्यम से। तो अगर संभव है तो वो लोग स्थल की तरफ आकर अपना सुरक्षित साधन सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे, नहीं तो वो समुद्र में और भीतर की तरफ भाग जाएंगे जहां उस तरह की क्षति नहीं होती है, अवरोध वहां पर होता है, अवरोध के कारण सुनामी का असर बहुत कम होता है, तो उस क्षेत्र में भी वो लोग जोन में चले जाएंगे जिससे कि कम से कम आप लोगों को नुकसान हो। उसके बाद है मैंग्रोव वन का निर्माण, यानी मैंग्रोव वन आपको झाड़ियां जैसे वन होती है साथ ही काफी सघन वन होता है, काफी सघन उसमें घना पेड़ लगाया जाता है, उस तरह का समुद्र तटीय इलाकों में विकास किया जाए, समुद्र के तटों पर मैंग्रोव वन का विकास किया जाए, वो आपको समुद्र के सुनामी से जो उसमें स्पीड होता है उसकी स्पीड को वो कम कर देता है, टकरा कर उसकी अवरोध पैदा करता है और जाके आपको उसका प्रभाव कम कर देता है और कम से कम क्षति होती है। उसके बाद कंक्रीट है, कंक्रीट यानी आपको पक्का दीवार जो होता है उस तरह दीवार
बाउंड्री या दीवार बनाना या आपको बांध बनाना, कंक्रीट का बड़ा बड़ा दीवार बनाना समुद्र तटीय इलाकों में, कि पानी की बहुत अगर तेज धार आए या सुनामी आती है उसकी धारा चलती है तो वो अपने कंक्रीट से टकरा कर, बांध से टकरा कर, उस दीवार से टकरा कर, दीवार से टकरा कर वो रह जाए, यानी कम से कम क्षति हो। उसके अलावा मैग्रोव है जो झाड़िया टाइप की वन होती है, जो बड़े ही सघन वन लगाए जाते हैं उसको मैग्रोव वन कहते हैं। तो इन वनों का विस्तार, कंक्रीट का आपको बड़ी सी दीवार खड़ा करना, ये भी आपको एक अच्छा उपाय है जिससे हम सुनामी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है तटीय प्रदेश के तटीय लोगों को प्रशिक्षण, यानी तटीय जो लोग हैं उनको प्रशिक्षण, कहने का मतलब ये है कि अगर सुनामी आती है तो जो तटों पर बसने वाले लोग हैं वो प्रशिक्षित होने चाहिए, वो दक्ष होने चाहिए कि अगर सुनामी आती है तो आसपास के लोगों, स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन और भी सरकार की जो भी टीम है उसके साथ में वो लोग बचाव कार्य में लग जाए। उसमें होने वाले जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी है असामाजिक तत्व जिनके द्वारा लूटपाट भी किया जाता है, तो उस लूटपाट को कम किया जाए, बचाया जा सके लोगों को। उसके बाद जल्दी से जल्दी उन लोगों के लिए भवन जहाँ निर्माण, जिनका क्षति हुआ है उनके भवनों का निर्माण या उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाना, ये सारी चीजें स्थानीय लोगों के द्वारा तुरंत उपलब्ध करानी चाहिए। उनको जो भी जिनका घर बर्बाद हुआ उनको पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से या सरकार द्वारा उपलब्ध हो, तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं आपको की जानी चाहिए जिससे कि तुरंत उससे हम लोग निकल आए और उसके असर को कम कर सके। और बस्तियां जो बसी हैं इसके लिए तुरंत बस्तियों का निर्माण करना जिस तरह से भी हो सरकार द्वारा, या और क्योंकि न्यूनतम कम से कम आपको प्रभाव डाल सके सुनामी, इस तरह की व्यवस्था किया जाए तो सुनामी का प्रभाव बहुत ही कम होगा, उसका असर बहुत ही कम होगा और हमारे यहाँ जान माल की नुकसान बहुत ही कम होगी। तो ये सुनामी के बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं। इसके साथ साथ सरकार के साथ साथ जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट एनजीओ तरह के लोग चलाते हैं, अपनी अपनी संस्था चलाते हैं प्राइवेट, उन लोगों को भी इसमें आना भी बहुत आवश्यक है ताकि उनकी भी इसमें मदद जाए, क्योंकि वो स्थानीय लोग होते हैं और स्थानीय लोग बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं बचाव कार्य में। तो इन सारी तमाम बातों को ध्यान में रखना जरूरी है और उपाय करना जरूरी है तो हम सुनामी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब इसका आप लोगों का प्रश्नोत्तर है, इसका प्रश्नोत्तर है तो प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और लेखित का एक क्वेश्चन मेरा पूरा वीडियो पहले का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई प्रश्न आप लोगों से बनता है वीडियो देख के या किताब की सहारा लेकर अगर कोई क्वेश्चन प्रश्न अगर होता है तो आप लोग इसका आंसर अपने नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके आने वाले एग्जाम्स में। तो ये आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा भूकंप या सुनामी या इस तरह की आपदा में से जो क्वेश्चन रहता है जो कि बहुत ईजी होता है लिखने के लिए, समझने के लिए, इसलिए कि हम लोग सब जानते हैं भूकंप सुनामी। तो आप लोग क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।